I'm Anil Kapoor, and you're watching Dhanak. जी तो अब हम मिलते हैं आज बिजली से. तशरीफ लाती है बिजली. कैसी हैं आप? बहुत तेज. कुछ परेशान लग रही हैं. क्या बताऊं, पावर के बल्बों ने नाक में दम करके रखा हुआ है. क्या मतलब? इतनी नन्नी मत बनो, सब पता है तुम्हें. बस गरीबों को आपसे बहुत शिकायत है. वो कहती हैं आप उनके घरों से चली जाती हैं और अमीरों के घरों से नहीं जाती. अरे भैया, गलत फहमी है उनकी. दरअसल गरीबों और अमीरों के घरों के दरमियान जनरेटर गैप है ना, इसलिए वो ऐसा समझते हैं. सुना था पाकिस्तान के लिए अमेरिका बिजली फराहम करेगा. लो, पाकिस्तान के करंट अफेयर तो अमेरिका ठीक कर नहीं सका है, अमेरिकन बिजली क्या कर लेगी. अच्छा ये बताइए, आपको कौन लोग बुरे लगते हैं? मुझे बल्ब बहुत बुरे लगते हैं. अरे क्यों? मुझसे जलते हैं ना. अच्छा शादीशुदा हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शौहर का इंतकाल हो चुका. अरे वो कैसे? बस करंट लगने से. अच्छा बच्चे कितने हैं आपके? एक एसी, दूसरा डीसी. तालीम कितनी है आपकी? एमए किया है मैंने. किस मजमून में? करंट अफेयर्स में. अच्छा, खानदान में सबसे ज्यादा मॉडर्न कौन है आप? मेरे भतीजे तार. वो कैसे? क्या बताऊं, शहर की सड़कों पर नंगे पड़े रहते. अच्छा रोशनी के अलावा किस चीज से दिलचस्पी है आपको? मुझे शायरी से बहुत शगफ है. आपके यहाँ के शायर थे ना, अहमद फराज पठान. जी जी. अपनी इस्लाम मेरी रोशनी से लेते थे शायरी में. अरे क्या बात कर रही हैं आप, वो तो बहुत बड़े शायर थे. और वो तो ऐसे इस दुनिया में नहीं है, तो प्लीज आप झूठ नहीं बोले. अरे यहाँ तो जिंदों के मुंह पे झूठ बोला जा रहा है, बहुत फौत हो चुके, ज्यादा आसानी है झूठ बोलने में. अच्छा चले कोई अच्छा सा उनका शेर सुनाए. शेर वो लंदन वाला, रहने दो. अच्छा वाला होता तो पाकिस्तान के लोगों के साथ अपने कौम की गर्मी खा रहा होता है. लोग ठंडी फिजाओं में पूरा खानदान ऐश कर रहा है, रहने दो. खाना भी खा रहे हैं, पाए भी खा रहे हैं. नहीं नहीं, मैं वो शेर नहीं कह रही, शेर कह रही. अच्छा शायरी वाला शेर. जी शेर शायरी वाला. अच्छा सुनाती हूँ. रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए. घर में ना कोई मोम की बत्ती ना दिया है, फानूस में तो आग लगाने के लिए. अरे अरे ये शेर तो फराज का नहीं है, मैंने तो कभी नहीं सुना. यही तो सबसे हिट शेर, देखा ना, चौंका दिया ना मैंने. अच्छा ये बताएं अमेरिका कैसे आना? जहाज से. मेरा मतलब है कोई काम था यहाँ? हाँ काम तो बहुत ही जरूरी था, बल्कि है. वो क्या? बिजली की कुर्सियों का ऑर्डर देने आई हूँ मैं यहाँ. बिजली की कुर्सी? मैं कुछ समझी नहीं. अरे वो होती है ना बिजली की कुर्सी, जिस पर भी ढाल कर मुजरिमों को मौत की सजा दी जाती है. अच्छा अच्छा वो तो. वो आप क्या करेंगी बिजली की कुर्सियाँ, और कितनी चाहिए आपको? चाहिए को तो पूछो ही मत ही, जो सोच कर आई थी तादाद उससे ज्यादा बढ़ती जा रही है बस. दरअसल मैं कौमी असेंबली का सफाया करने के लिए कुर्सियां लेने आई हूँ. बस अब यही रास्ता बचा है मेरे पास. अच्छा वैसे बिजली की कुर्सी होती कैसे? अल्लाह जाने कैसी होती है, जो भी आज तक उस पर बैठा बाद में बता नहीं सका कि कैसी थी. अच्छा वैसे एक बात कहूँ बिजली, आप गरीब आवाम के घर से चली जाती हैं और प्रेसिडेंट हाउस के घर से वहाँ से नहीं जाती. आई वो प्रेसिडेंट हाउस है, वहाँ तक डॉक्टर साहब रहते हैं, डेंटिस्ट. बड़ा देर है वहाँ आजकल, वहाँ से चली जाऊँ ना तो उन्हें दांतों के काम में मुश्किल होगी. अरे क्या कह रही हैं आप, हमारे सदर आरिफ अलवी वहाँ रहते हैं, नफीस सदर हैं. तो ले लिया ना मजा नफासत का, रहने दो. एक साइन भी नहीं करने आते उनको, मातहतों को करने पड़े उनके साइन. वैसे मैं समझती थी कि आप गैर सियासी हैं, मगर क्या गैर सियासी रहती खाक, मेरी गिच्ची दबा रखी इन्होंने और चीखें गरीब आवाम की निकल रही हैं. मुझे जाने ही नहीं देते अपने घरों की पार्टियों से. जल जल कर मेरा ये हाल हो गया, वोल्टेज नहीं रही अब मेरे पास. आप तो बहुत मायूस लग रही हैं, वो स्पार्क नहीं रहा अब आप में. अरे बीबी क्या बताऊं, अगर तुम्हारे कंधों पर सारी उम्र लोगों ने कुंडे डाले होते ना तो अच्छी तरह पूछती वो स्पार्क कहाँ है. बस ऐसी तैसी करके रख दी मेरी, लेकिन अब जितना भी स्पार्क रहेगा ना मेरे पास, किसी दिन एक बड़े जलसे पे जाके इन सब पे गिर जाऊंगी कमबख्तों पे, तभी जाके आवाम को रिलीफ मिलेगा. अच्छा मैं जा रही हूँ बस. कहाँ? जरा चमक के आती हूँ. Oh,